Good morning to everyone. Let us do this sum now. Today we will start with the sums in liquidation of companies where they are asking to prepare statement of affairs. Statement of affairs shows the list of assets and liabilities, and it also shows whether it is a surplus or a deficit on liquidation. So let us see how to prepare it. A Limited is to be liquidated. Okay, A Limited is getting liquidated. Their summarized balance sheet as at 31st September 2017 appears as under liabilities is their equity share, debenture, unsecured loan and creditors. And then we have assets. Asset side, we have land and building, other fixed asset, current asset, profit and loss account. And then we have contingent liability. Contingent liabilities are those liability which may arise or may not arise. So we have bill discounted and we have excise duty demands. Excise duty is paid to the, excise duty is an indirect tax. So it is paid to the government. So government ko hum jo dues pay karna hai hume, that government or employees को जो लाइबिलिटी होता है उसको हम प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी बोलते हैं. द लाइबिलिटी विच इज पेएबल टू द गवर्नमेंट और टू द एम्प्लॉइज इज कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. सो हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पहले पे करना है. सो देर आर अबाउट हाउ मेनी एट लिस्ट, LISTS लिस्ट. ए लिस्ट, ए लिस्ट बी इज फॉर द असेट्स. लिस्ट ए में आता है वो असेट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, आर इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टीज विच आर नॉट प्लेज्ड, जो कि किधर मॉर्गेज नहीं हुआ है, प्लेज नहीं हुआ है, आर इंक्लूडेड इन लिस्ट ए. एंड द असेट्स विच आर स्पेसिफिकली प्लेज्ड आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बी. लिस्ट ए एंड बी consists of asset. And then liability में आता है list C, जिसमें preferential creditors आता है, मतलब preferential creditors को पहले pay करेंगे. फिर list D, जिसमें हम debenture holders having a floating charge को include करते हैं. List E में आता है unsecured creditors, and उसके बाद हम share capital pay करते हैं. List F में आता है preferential, preference shareholders. List G में आता है equity shareholders, and last is the deficiency or surplus which is which comes under list H. तो लिस्ट ए से लेके लिस्ट एच तक हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बताना है. आई विल डिस्कस द फॉर्मेट विथ ऑल ऑफ यू. सो ऑन इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट द कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये हमने आर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर सर्टन टू डिवॉल्व. तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज पे करना पड़ेगा. एंड द असेट्स आर लाइकली टू बी रियलाइज एज फॉलोस. असेट्स का नया वैल्यू दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड असेट एंड करंट असेट. एंड देन देयर इज आवर सिक्योर डिबेंचर्स. ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वी हैव सिक्योर डिबेंचर्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को हमें पे करना पड़ेगा. सो हियर लेट अस सी, लैंड अवर सिक्योर डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. सो लैंड एंड बिल्डिंग को पे, आई मीन सिक्योर डिबेंचर्स को पे कर, लैंड एंड बिल्डिंग से जो पैसा आएगा दैट विल बी यूटिलाइज टू पे द सिक्योर डिबेंचर्स. ओके, सो नाउ लेट अस प्रिपेयर द, टेकिंग द अबाव इनटू अकाउंट. लैंड एंड बिल्डिंग से 22 लाख मिला और वो तो हमें यूज करना पड़ेगा टू पे द सिक्योर डिबेंचर ऑफ 20 लाख. And वो लिस्ट बी में आएगा, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन. देन वी हैव फिक्स असेट एंड अदर करेंट असेट. सो लेट अस स्टार्ट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसा रहता है, लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स
of what is the name of the company? It is A Limited, which is getting liquidated in liquidation. Kabhi liquidation ho raha hai? When is it getting liquidated? The date given is 30 September 2017. 30th September 2017. Now let us see the format or statement of affairs. तो यहाँ पे अमाउंट का दो कॉलम होता है, यहाँ पे भी रुपीस है, यहाँ पे हम लोग दो चीज बताएंगे, पहले असेट्स के बारे में बताएंगे एंड फिर देन वी विल शो द लाइबिलिटीज, पहला असेट्स एंड फिर बाद में लाइबिलिटीज. तो पहले इट इज असेट्स जिससे हमें पैसा आएगा एंड हियर वी विल शो द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू. एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू इन रुपीस. सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लिस्ट ए. सबसे पहले व्हाट विल कम, लिस्ट ए विल कम. लिस्ट ए में क्या आता है? असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, मतलब यहाँ पे आएगा वो असेट्स जो हमने प्लेज्ड नहीं किया, मॉर्गेज्ड नहीं किया, ये यहाँ पे आएगा एंड इट इज एज पर लिस्ट ए. एज पर लिस्ट ए, तो लिस्ट ए में वो सब असेट्स, मैंने क्या बोला, लिस्ट ए से लेके लिस्ट एच तक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आता है एंड लिस्ट ए में आता है दो असेट्स. हमारे पास जो भी असेट है जो प्लेज्ड नहीं हुआ है, जो गिरवी हमने नहीं रखा है, वो असेट्स यहाँ पे आएगा. तो व्हाट इज द अमाउंट, हमारे पास कौन सा असेट्स है? हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, वो तो प्लेज्ड हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास अदर फिक्स असेट. तो यहाँ पे कौन सा असेट है? तीन असेट है जिसका नया वैल्यू दिया. लैंड एंड बिल्डिंग विल नॉट कम हियर बिकॉज इट हैज बीन प्लेज्ड अगेंस्ट सिक्योर डिबेंचर्स. सिक्योर डिबेंचर्स के अगेंस्ट में ये प्लेज्ड हुआ है तो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा. तो क्या आएगा? अदर फिक्स असेट्स आएगा और करंट असेट्स आएगा. तो हमारे पास तीन असेट्स थे जिसमें से हमने लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ पे नहीं लिखा और बाकी का जो असेट्स है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं. चाहिए तो एक बार फिर से असेट साइड में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स असेट एंड करंट असेट. हमारे पास ये तीन कैटेगरी के असेट है जिसमें से लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे नहीं लिख सकते बिकॉज इट हैज बीन प्लेज्ड अगेंस्ट सिक्योर डिबेंचर्स. और लिस्ट ए में वो असेट्स आते हैं जो कि क्या नहीं हुआ है, जो कि प्लेज्ड नहीं हुआ है. सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे. कितना होता है टोटल? 1,06,00,000. ये हो गया हमारा वो असेट्स का टोटल जो कि स्पेसिफिकली प्लेज्ड नहीं हुआ है. तो अगर क्वेश्चन में जितने भी असेट्स दिए हैं उसका नया वैल्यू दिया रहेगा. एज पर लिक्विडेटर ने जब असेट्स को रियलाइज किया, सेल किया, तो कितना पैसा मिला वो दिया रहेगा क्वेश्चन में. तो हमने वो लिखा, यहाँ पे कोई अलग से कैश बैंक बैलेंस नहीं है तो वो अलग से लिख लेते, पर है ही नहीं. तो जितना असेट्स है उतना हमने लिखा. नाउ अवर नेक्स्ट कैटेगरी, असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड. तो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी में क्या आता है? वो असेट्स जो कि प्लेज्ड हुआ है, जो कि गिरवी रखा हुआ है कोई लाइबिलिटी के हिसाब, लाइबिलिटी के लिए. तो एज पर दिस विल कम एज पर लिस्ट बी. दिस विल कम एज पर लिस्ट बी. तो एज पर लिस्ट बी हमें क्या करना है? एज पर लिस्ट बी हमें यहाँ पे अभी वी हैव टू प्रिपेयर सम कॉलम्स. तो ये यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉलम्स प्रिपेयर करना है. तो मैं यहाँ पे एक दूसरा टेबल इंसर्ट करूँगी जिसमें मुझे क्या चाहिए, वन मिनट,
Yes, a table. Yeah, if I am able to draw the table, then I will draw here. ये एक, दो, थ्री, फोर, फाइव और लास्ट वन. Okay. We have done that. So यहाँ पे तो यहाँ पे हमें क्या कैटेगरीज चाहिए. यहाँ पे हमें चाहिए ए, दिस इज द ए, दिस हियर कम्स estimated realizable value. Then we want B, due. This is very easy, only the format is there which we have to remember, due to secured creditors. Then we have C, that is deficiency. Or we have D, that is surplus. ये क्या है, विल एक्सप्लेन यू. डेफिशिएंसी रैंकिंग as unsecured column. ये क्या है, विल एक्सप्लेन यू. एंड देन सरप्लस कैरीड टू लास्ट कॉलम. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले हमें वो लिखना है कि ऐसा वो असेट जो स्प्लज हो गया है, असेट जो कि हमने कोई लाइबिलिटी के लिए गिरवी रखा, उसका रियलाइजेबल वैल्यू क्या है. रियलाइजेबल वैल्यू मतलब उसको बेचा तो कितना मिला, 22 लाख्स. पे अटेंशन एवरीवन, हमने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया और वो सिक्योर डिबेंचर के ऊपर सिक्योर डिबेंचर को रख, कैसे इशू किया था, लैंड एंड बिल्डिंग को रख के. मतलब फ्यूचर में अगर सिक्योर डिबेंचर का पैसा नहीं दे पाएंगे तो हम लैंड एंड बिल्डिंग को बेचेंगे और उससे जो पैसा मिलेगा उससे सिक्योर डिबेंचर को पे करेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करेंगे, उससे पैसा मिलेगा, उससे डिबेंचर को पे ऑफ करेंगे. तो कितना रियलाइजेबल वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग का, 22 लाख. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जब हमने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया तो कितना पैसा रियलाइज हुआ, 22 लाख. नेक्स्ट वन, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है, सिक्योर डिबेंचर्स कितने का है, सिक्योर डिबेंचर कितने का है, 20 लाख्स का. तो यहाँ पे लिखेंगे 20 लाख्स. फिर नेक्स्ट, यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी है, मतलब हमने देखा रहेगा पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में सिक्योर्ड लोन 2 लाख का है बट वो असेट जिसके ऊपर गिरवी रखा है वो असेट को बेच के सिर्फ 1,50,000 आया. लोन 2 लाख का था बट असेट को बेच के सिर्फ 1,50,000 आया, तो 50,000 का डेफिशिएंसी हुआ, ऐसा लिखते हैं हम लोग. मतलब अगर कोई असेट को बेच के हम पूरा लाइबिलिटी नहीं पे कर पाते
तो डेफिशिएंसी होता है। अगर पूरा लाइबिलिटी को नहीं पे कर पाए, मतलब जो लाइबिलिटी अभी बचा हुआ है ना, इसके लिए कोई असेट नहीं रखा है, जो असेट था वो बेच दिया, तो वो पोर्शन अनसिक्योर्ड हो जाता है। मैंने तुम लोग को पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में भी बताया होगा, इफ यू ऑल रिमेंबर, कि अगर कोई असेट है वो अगर सपोज देयर इज वन असेट लैंड एंड बिल्डिंग, उसको मैंने रख के एक लाइबिलिटी लिया है, वो लाइबिलिटी है 20 लाख का, एंड असेट को बेच के 22 लाख मिला, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हमने पूरा लाइबिलिटी पे ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी नहीं है। बट लोन है 20 लाख का, पर असेट को बेच के सिर्फ 18 लाख आ रहे, मतलब 2 लाख कम आया, तो अब वो लाइबिलिटी अनसिक्योर्ड हो जाएगा। वो डिबेंचर जो 20 लाख का था, असेट को बेच के सिर्फ 18 लाख आया फॉर एग्जाम्पल, तो जो 22 लाख जो नहीं हम रिकवर कर पाए, दैट बिकम्स द अनसिक्योर्ड, दैट विल बी रिटर्न इन द अनसिक्योर्ड कॉलम। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको मैंने नील लिख दिया, नील लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया, नील लिख दिया, सो आई राइट इट इन द डैश डाल दिया मैंने, क्योंकि पूरा लाइबिलिटी पेड ऑफ हो गया, तो सरप्लस कितना बचा, 22 लाख मिला लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के, बट द सिक्योर डिबेंचर इज ओनली ऑफ 20 लाख, तो सरप्लस कितना हुआ, 2 लाख का। तो ये सरप्लस को लास्ट कॉलम में लिखना है, ये सरप्लस को क्या करना है, लास्ट कॉलम में लिखना है, तो लास्ट कॉलम में हमने लिख लिया। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे इसको इसको मर, ये हो गया, अब आई विल मर्ज दिस मच। सो यहाँ पे अभी हम लोग के पास कितना पैसा है टोटल, तो हम लोग लिखेंगे एस्टीमेटेड टोटल असेट्स, एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर पेइंग द लाइबिलिटीज। अभी हमारे पास जो दो असेट, ये हमारे पास 1 करोड़ 1 करोड़ 6 लाख था अदर फिक्स असेट और करंट असेट को बेच के, और लैंड सिक्योर डिबेंचर को पे करने के बाद 2 लाख बच गया, तो हमारे पास अभी टोटल कितना पैसा है, 1 करोड़ 8 लाख एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल, एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल, अवेलेबल फॉर क्या क्या पे करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर क्या पे करते हैं, डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, सिक्योर्ड बाई फ्लोटिंग चार्ज। ना वॉट डू यू मीन बाई फ्लोटिंग चार्ज, मतलब ये वो डिबेंचर है जिनको सारे असेट्स पे हक है, ऑल द असेट्स, एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब ये लेवल में हमें पे करना है। पहले हम लोग क्या पे करते, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, फिर किसको पे करते, डिबेंचर होल्डर जिनको सारे असेट्स पे हक होता है फ्लोटिंग चार्ज, एंड लास्ट में पे करते अनसिक्योर क्रेडिटर। ये सबको पे करने के लिए इतना पैसा अवेलेबल है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम शो करते हैं समरी ऑफ ग्रॉस असेट्स, हम शो करते हैं समरी ऑफ ग्रॉस असेट, दिस इज द फॉर्मेट एवरीवन, समरी ऑफ ग्रॉस असेट। इसमें हमारे पास जितने भी असेट है वो पूरा असेट्स का हम वैल्यू बताते हैं, मतलब हमारे पास कितना असेट है हम वो बताएंगे इधर। तो हमारे पास कितना असेट है, हमारे पास ग्रॉस रियलाइजेबल, इधर लिखेंगे, वी विल शो हियर, वन मिनट, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स
स्पेसिफिकली प्लेज्ड। अभी यहाँ पे बताएंगे 22 लाख, ये वो असेट है जहाँ पे लाइबिलिटी को पे नहीं किया उससे पहले का वैल्यू, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, स्पेसिफिकली प्लेज्ड, इधर लिखेंगे स्पेसिफिकली प्लेज्ड, कितना अमाउंट है 22 लाख, तो इधर बताएंगे इट इज हाउ मच 22 लाख, कितना है जो असेट लैंड एंड बिल्डिंग जो कि प्लेज्ड वाला असेट था उसका वैल्यू कितना है 22 लाख। तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, और इसको मैं ऐसे 22 लाख, मुझे एक लाइन में चाहिए था इसी 22 लाख। फिर हमें अदर असेट से कितना मिला, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के बाकी असेट से कितना मिला, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के बाकी असेट से मिला 1 करोड़ 6 लाख, बाकी असेट से मिला 1 करोड़ 6 लाख। तो हमारा टोटल असेट्स कितना होता है, टोटल वैल्यू अपना टोटल असेट्स से हमें मिला है हाउ मच अमाउंट 1 करोड़ 28 लाख्स, हमें मिला है 1 करोड़ 28 लाख्स। ये जस्ट हमें किस लिए लिखा था, ये जस्ट टू शो, इट वाज जस्ट टू शो, या तो इसको इधर भी लिख सकते हैं कि असेट्स का क्या पोजीशन था, बस हमें वो दिखाना था। टोटल असेट भी इधर ही लिखते हैं, दिस इज जस्ट टू शो कि हमारे पास समरी ऑफ ग्रॉस असेट्स कितना था। तो इसके साथ हमारा असेट साइड हो गया, अभी हम लोग आते हैं लाइबिलिटीज के उधर, तो आई होप तुम लोग को असेट साइड का क्लियर हुआ। नाउ वी विल कम टू द लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज में हमें ये था लिस्ट ए जहाँ पे हमें सब असेट्स का वैल्यू मिल, सब असेट जो प्लेज्ड नहीं था उसका वैल्यू लिखा हमने। फिर बी, लिस्ट बी में वो असेट लिखा जो प्लेज्ड था। नाउ वी विल कम टू द लिस्ट सी, तो उसमें हमें सबसे पहले लिखना होता है अबाउट द सिक्योर्ड लाइबिलिटीज। सिक्योर्ड लाइबिलिटीज डिबेंचर्स का था क्या, एज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंड, ये वो है अगर डेफिशिएंसी हुआ तो, टू द एक्सटेंड टू विच क्लेम्स आर एस्टिमेटेड टू बी हमें हर सम में ये लिखना है टू बी कवर्ड बाय असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, मतलब सॉरी दिस इज दैट पोर्शन विच हैज बीन कवर्ड बाय द असेट्स, मतलब जो असेट था सिक्योर लाइबिलिटी में, जो असेट था जिसको रख के लाइबिलिटी दिया गया था, वो असेट से लाइबिलिटी कितना पे हुआ। तो इट इज योर लाइबिलिटी 20 लाख्स का था और हमने क्या किया, पूरा 20 लाख्स पे कर दिया। यहाँ पे कोई अनसिक्योर्ड पोर्शन है ही नहीं, सारा लाइबिलिटी हमने पे कर दिया, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस लाइबिलिटीज, मतलब कितना पे करना चाहिए था, ये तो हमने पूरा पे कर दिया, तो यहाँ पे नील रहेगा, कुछ बचा हुआ ही नहीं है, सब पे कर दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी विल राइट विल बी
our preferential creditors. Preferential creditors. Only the format is big. And तुम लोगों को तो ये इस बार because objective exam है तो तुम लोगों को ये पूरा तो आने वाला नहीं है as per list C, पर तुम लोगों को समझना है कौन से order में pay होता है. लिस्ट सी आता है, ए ए में आता है दोस असेट्स विच हैव बीन स्पेसिफिकली विच हैव नॉट बीन प्लेज्ड स्पेसिफिकली प्लेज्ड. लिस्ट बी में वो असेट्स आता है जो प्लेज्ड हुआ है. फिर हमारा असेट्स हुआ, अभी लाइबिलिटी में आते हैं. सबसे पहले वो सिक्योर लाइबिलिटी जो प्लेज्ड हुआ था असेट उसके बारे में लिखेंगे. अब हमारे पास जो भी असेट बचा है उसमें पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करना है. तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी क्या है क्वेश्चन में देखो. हमारे पास कोई गवर्नमेंट लाइबिलिटी या हमारे पास कोई एम्प्लॉयज को पे करने वाला लाइबिलिटी है क्या? दे आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. हमारे पास एक्साइज ड्यूटी डिमांड्स है 3 लाख का, तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है. तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आता है फॉर डिमांड ऑफ एक्साइज ड्यूटी. For demand of excise duty, वो कितने का है? It is of 3 lakhs. It is of 3 lakhs. तो हम 3 lakhs पे कर देंगे तो हमारे पास कितना पैसा बचेगा? हमारे पास 1 crore 8 lakhs था, हमने 3 lakhs पे कर दिया तो हमारे पास बचा है 1 crore 5 lakhs. हमने पहले गवर्नमेंट ड्यूज जो था वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होता है. यहाँ पे भी लिखा है देखो, तो ये 1 crore 8 lakhs किसके लिए है? सबसे पहले एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज को पे करना है, फिर लास्ट में अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पे करना है, उसके बाद शेयर होल्डर्स को पे करना है. तो 1 crore 5 lakhs है. दिस इज फॉर वॉट? दिस इज बैलेंस ऑफ असेट्स. Balance of assets available for किसको pay करने के लिए? Debenture holders secured by floating charge and किसको pay करेंगे? Unsecured creditors. उसके लिए हमारे पास 1 crore 5 lakhs है. तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं. अभी हमें किसको पे करना है? डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज. चेक करते हैं क्वेश्चन में कोई है क्या. डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज. सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ये क्या है? एज पर लिस्ट डी. इसको डिबेंचर होल्डर्स को ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. लिस्ट ए में क्या आता है, लिस्ट बी में क्या आता है, तो लिस्ट डी में आता है प्रेफरेंस डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज. लिस्ट सी में क्या आता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, हमारे पास कोई डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज है क्या? हमारे पास तो सिक्योर डिबेंचर्स था, वो तो हमने ऑलरेडी पे कर दिया. हमारे पास कोई भी डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे नील लिखना पड़ेगा. है ही नहीं तो है ही नहीं तो नहीं पे कर सकते. इसके बाद किसको पे करते हैं? डिबेंचर होल्डर्स के बाद हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करते हैं. किसको पे करते हैं? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करते हैं. सो नाउ वी विल पे द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. वी विल पे द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स कम अंडर एज पर लिस्ट ई. डी के बाद कौन सा लिस्ट? एज पर लिस्ट ई. तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स तुम लोग को क्वेश्चन में आया, कौन से लिस्ट में आता है? एज पर लिस्ट ई. तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स में हमारे पास कौन सा लाइबिलिटी है? हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन है, हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स है और हमारे पास कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी है. तो ये पूरा हमने कॉपी कर लिया. हमारे पास क्या है यहाँ पे? हमारे पास यहाँ पे भी लिखना है प्रेफरेंशियल. जो भी हम इधर लिखते हैं ना लाइबिलिटी, हमें इधर भी लिखना है कि हम लोग ने उतना ही पे किया, कम नहीं पे किया. अगर हम लोग यहाँ पे ग्रॉस है मतलब जितना पे करना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे जितना पे किया,
यहाँ पे दिखाना है जितना पे करना चाहिए था, यहाँ पे सेम है 3 लाख पे करना था और हमने 3 लाख ही पे किया। तो हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन्स है, हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स है, दोनों का अमाउंट देख लेते हैं कितना है। दोनों का अमाउंट है 40 लाख एंड 70 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना पे करना था, 40 लाख, और यहाँ लिखेंगे 70 लाख। फिर इसके बाद हमारे पास कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी एक है जो हमें पे करना है, दैट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंट है 2 लाख, तो वो भी तो अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड, फॉर बिल्स डिस्काउंटेड, ये तीनों का अमाउंट ये कितना है, 2 लाख है। तो यहाँ पे लिख लिया 2 लाख है और हमने पे भी उतना ही किया, दोनों का टोटल बाहर लिखते हैं। तो आई विल राइट द अमाउंट हियर ऑल्सो, क्योंकि मैं सोच रही हूँ टोटल हम आउटसाइड कॉलम में बताएंगे। तो ये 40 लाख, ये कितना है ट्रेड क्रेडिटर्स, 70 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 70 लाख। ये लास्ट वाला कंटिंजेंट लाइबिलिटी बिल डिस्काउंटेड का है 2 लाख। ये सबको ऐड करो कितना बनता है, अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 12 लाख, 1 करोड़ 12 लाख। तो यहाँ पे ये सबको ऐड करके कितना बन रहा है, देखो हमारा लाइबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना, हमारा लाइबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो कितना होता है लाइबिलिटी को ऐड करके देखो कितना होता है, ऐड 20 लाख प्लस 3 लाख प्लस 40 लाख प्लस 70 लाख प्लस 2 लाख, 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 70 इज 1 करोड़ 30, प्लस 3 प्लस 5 इज 1 करोड़ 35 लाख। ये सबको ऐड किया तो होता है 1 करोड़ 35 लाख। और यहाँ पे हमारे पास है 1 करोड़ 5 लाख और हम पे कैसे करेंगे 1 करोड़ 12 लाख। जरा बताओ हमारे पास सिर्फ 1 करोड़ 5 लाख है तो हम 1 करोड़ 12 लाख पे कर सकते हैं, इसी का लॉजिक टेल मी। हमारे पास जब अवेलेबल था 1 करोड़ 5 लाख तो क्या हम 1 करोड़ 12 लाख पे कर सकते हैं? कितना डेफिशिएंसी हुआ हमें, कितना डेफिशिएंसी हुआ यहाँ पे, हमें डेफिशिएंसी हुआ 7 लाख का अभी तक, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स, एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स इतना डेफिशिएंसी हुआ। ये कैसे आया, ये हमें कैसे पता चला, जब हमने 1 करोड़ 5 लाख दैट इज अवर ग्रॉस असेट जो अवेलेबल था उसमें से हमारा लाइबिलिटी माइनस किया तो हमें पता चला हमारे पास जरा भी सरप्लस पैसा अवेलेबल नहीं है, हमें तो लॉस अभी डेफिशिएंसी हो रहा है। हमारे पास सिर्फ 1 करोड़ 5 लाख था पर हम पूरा पे करेंगे तो हमें 1 करोड़ 12 लाख चाहिए तो है ही नहीं, तो 7 लाख का डेफिशिएंसी ऑलरेडी हो गया। इसके बाद हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है या सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इसके बाद हमें 50 लाख पे करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। पहले अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पे करेंगे, पर हमारे पास सिर्फ इक्विटी शेयर्स है तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास अभी क्या बचा है पे करने, इशूड एंड कॉल्ड अप, ये दिया है इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, वो भी पे करना है जो अभी पे नहीं कर पाएंगे तो उसका भी डेफिशिएंसी हो जाएगा। 50 लाख एक शेयर 10 रुपए का है तो 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, ये क्या है एज पर इक्विटी शेयर होल्डर कौन से लिस्ट में आते हैं, एज पर लिस्ट जी। तो तुम लोग हमने यहाँ पे देखा ये कौन सा लिस्ट था, ई के बाद डायरेक्टली हम जी पे गए, ई के बाद हम डायरेक्टली जी में गए, कौन सा बच गया है, ई के बाद एफ आता है उसके बाद जी, करेक्ट, ए बी सी डी ई एफ बाद में जी,
तो एफ क्या है? एफ प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, बट ये क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे ही नहीं, इसलिए डायरेक्टली हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स लिया, और इक्विटी शेयर होल्डर्स लिस्ट जी में आते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स किस में आते हैं? लिस्ट जी में। लिस्ट यहाँ पे कौन सा लिस्ट नहीं है? लिस्ट एफ नहीं है। लिस्ट एफ मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे तो ही हम लिस्ट एफ लेंगे। तो हमने लिस्ट जी में 50 लाख, जब पैसे ही नहीं है तो ये 50 लाख कैसे पे करेंगे? तो टोटल डेफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 50 लाख प्लस 7 लाख, दैट इज 57 लाख। इसको बोलेंगे एस्टीमेटेड डेफिशिएंसी। इसको बोलेंगे एस्टीमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू मेंबर्स, या तो मेंबर्स मतलब हमारे मेंबर्स भी बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटरीज। और सरप्लस हो या डेफिशिएंसी हो, उसको कौन सा लिस्ट बोलते हैं? लिस्ट एच। डेफिशिएंसी और सरप्लस दोनों ही आता है एज पर लिस्ट एच। तो इसके साथ जैसे हम लिस्ट एच बना देते, जो कि डेफिशिएंसी भी हो सकता है सरप्लस भी हो सकता है, जैसे ही लिस्ट एच प्रिपेयर करते हैं, ये हमने डेफिशिएंसी बता दिया, हमारा जो सम है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।